ये देखिए अभी यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा, ये देखिए ये 220 mm आ रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं 220 mm इंच में 9 इंच आ रहा है। और अभी आगे करेंगे इसको तब ये देखिए कितना आता है। देखिए अब मेरा पूरी तरह से ये फिक्स हो गया है, वाशर आपको लगा देना है नहीं तो लीक करेगा। और यहाँ पे ग्राउट कर देना है आपको, व्हाइट सीमेंट से ग्राउटिंग करेंगे। अब देखिए मेजर करके दिखा रहा हूँ, अभी देख सकते हैं आप दोस्तों कितना आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है अभी ये 300 mm, ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए 300 mm यहाँ पे आ रहा है, अब कमोड यहाँ पे पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। अब देखिए ऑफसेट यहाँ पे इस तरह से रख दिया, अब कमोड को इसके ऊपर उठा के रखेंगे और नीचे ये साफ सफाई कर लेंगे, किसी भी तरह का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। लीकेज को आपको चेक करना है पहले, अगर लीकेज नहीं होता है तो फिर मार्किंग करेंगे। अब देखिए कमोड को यहाँ पे रख दिया मैं उठा के, अब लीकेज को चेक करने के लिए यहाँ पे पानी डालेंगे। ये देखिए पानी यहाँ पे डाल दिया गया है, अब साइड में लीकेज को आपको चेक करना है, बिल्कुल भी लीकेज नहीं होना चाहिए। ये देखिए पूरा यहाँ पे लगभग 10 से 12 लीटर पानी डाला गया है, साइड में लीकेज को आप चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में किसी भी तरह का लीकेज यहाँ पे नहीं है। देखिए फर्स्ट मेरा पूरा बिल्कुल ड्राई है, पीछे भी यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए अगर लीकेज होता है तो फिर इसको कमोड को हटा के दोबारा सेट करेंगे, चेक करेंगे क्यों लीकेज आया है। देखिए अब मेरे केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं लीकेज अभी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे इसका मार्किंग करेंगे, कमोड का मार्किंग करेंगे फिक्स करने के लिए। साइड मार्किंग यहाँ भी यहाँ पे करना है, ये देखिए ये साइड मार्किंग है, अब देखिए ये साइड मार्किंग कर रहा हूँ मैं, इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप दोबारा कमोड को उठा के रखें ना तो फिर एक आइडिया मिलेगा आपको कि हाँ कमोड को मुझे यहीं पर रखना है, इसलिए साइड मार्किंग आप कर लेंगे। साइड मार्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीछे दो होल होता है इसको फिक्स करने के लिए, उसको भी आप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ऑफसेट लगाने के बाद मेरा कमोड पूरी तरह से यहाँ पे फिक्स हो जा रहा है, किसी भी तरह का लीकेज नहीं है। पानी आपने देखा है 10 से 12 लीटर डाला हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी तरह का लीकेज नहीं है। ये वाला जो पानी है ये पहले का है, जो भी पानी है वो आप देख सकते हैं रबर के ऊपर है। अब यहाँ पे रबर वाशर होने की वजह से दोस्तों ये दबाव बना के रखता है, इसके ऊपर लोड रहता है कमोड का। और वाशर जो है, वाशर क्या काम करता है, प्लम्बिंग का पूरा खेल ही वाशर के ऊपर डिपेंड रहता है। वाशर होने की वजह से गैप नहीं मिलता है और पानी लीक नहीं करता है। देखिए ये दो होल दिख रहा है, इसको फिक्स करने के लिए दो स्क्रू लगेगा। वैसे ही ये कमोड हाथी जैसा है, इतना वेट है तो ये कहीं भी हिलता नहीं है, बस सपोर्ट के लिए आपको दो लगा देना है पीछे, और इसके नीचे किसी भी तरह का वाइट सीमेंट वगैरह आप नहीं लगाएंगे। कमोड को फिक्स करने के बाद यहाँ पे साइड साइड से सिलिकॉन आप लगा सकते हैं या फिर वाइट सीमेंट से ग्राउटिंग कर देंगे। चलिए फिक्स करने के लिए यहाँ पे होल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे होल करने के बाद देखिए यहाँ पे गिट्टी डाल दिया अंदर में, अब कमोड को उठा के इसके ऊपर रखेंगे और लीकेज को चेक करेंगे। देखिए कमोड को उठा के यहाँ पे रख दिया मैं, अब इसमें पानी डाल के लीकेज को चेक करना है, अगर लीक नहीं करता है तो फिर कमोड का स्क्रू टाइट करेंगे जो कि पीछे लगेगा। ये देखिए 3 इंच का लंबा स्क्रू है, ये वहाँ पे लगेगा, अगर पहले चेक करेंगे लीकेज नहीं होता है तो फिर इसको टाइट करेंगे। अब देखिए पानी यहाँ पे डाल दिया मैं, लीकेज को चेक करेंगे साइड में। देखिए यहाँ पे एक बूंद पानी नहीं टपका है, लीकेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लीकेज बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह से चेक करना है, अगर लीकेज नहीं है तो फिर इसको टाइट कर देंगे। मेरे केस में यहाँ पे लीकेज बिल्कुल भी नहीं है, अब पीछे का जो स्क्रू है उसको मैं टाइट करूँगा। देखिए ये दोनों स्क्रू है, छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर लेंगे, उसके बाद इसको टाइट करेंगे। ये देखिए देख रहे हैं ना, एक स्क्रू यहाँ पे टाइट कर दिया पूरा मैं, और एक देखिए यहाँ पे दिख रहा है, दोनों टाइट है प्रॉपर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कमोड पूरी तरह से फिक्स हो गया है, देखिए स्क्रू इसका मैं पूरा टाइट कर दिया पीछे का। ये देखिए साथ में जेट है, अब कवर के साथ में जेट भी लगेगा।
अब इसीलिए मैं बोला था घटिया का मोड, कुछ ना कुछ तो गलती यहाँ पे करते ही हैं। ये देखिए इसके अंदर ये नहीं जा रहा है, थोड़ा सा ये प्ले होना चाहिए था होल हल्का सा, जब हम स्क्रू को टाइट करते हैं तो फिर ये फैल जाता है, ये फूलता है। देखिए इतना जबरदस्ती दबाने के बाद ये अंदर गया हुआ है, देखिए अंदर बैठ गया ये। अब ये यहाँ पे इस तरह से लगेगा, लॉक वाला है, ये अच्छी बात है यहाँ पे जो दिया है। देखिए ये जेट पत्ती है, ये जेट का मुंह इधर भी आप लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आपका एंगल वाल किधर है। अगर लेफ्ट साइड में है तो इसको यहाँ पे करेंगे, राइट में होगा तो फिर इसको इस तरह से पलट लेंगे। देखिए इसको मैं इधर से कर रहा हूँ ताकि ये पाइप लटके ना। देखिए जेट पत्ती यहाँ पे लगा दिया, अब ये इसका जो बेस है यहाँ पे नीचे रखेंगे, और ये ब्रेकेट है, ब्रेकेट में इस तरह से नट को लगाना है, वाशर भी लगा लेना है। देखिए आप देख सकते हैं, अब इसको यहाँ पे टाइट करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे एक दिक्कत आएगा, यहाँ पे इस तरह से ये बैंड हो जाएगा, जब ये बैंड हो जाएगा तो ना ये कवर यहाँ पे अंदर जाके फिट हो पाएगा और ना ही ये निकलेगा। तो नीचे यहाँ पे कुछ टुकड़ा डाल देंगे, जैसे देखिए ये छोटा सा टुकड़ा है यहाँ पे सपोर्ट के लिए, तो फिर ये इस तरह से बैंड नहीं होगा। देखिए इसको मैं यहाँ पे टाइट कर दिया, अब ये जो है ना कवर, देखिए यहाँ पे लॉक है, अब अंदर आपको इस तरह से दबा देना है, ये पूरा पीछे चला जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको यहाँ पे इस तरह से रखना है, ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इसको दबा देंगे। देखिए अभी ये लूज है, पीछे चला जा रहा है, तो ये जो हल्का सा बैंड हो रहा है उसकी वजह से ये दिक्कत आ रहा है। टाइट कर दिया हूँ, अब इसको मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ। देखिए चला गया अंदर, अब इसको इस तरह से लॉक कर देंगे, देखिए लॉक हो गया ये। अब देखिए ये चीज़ आपको देखना है, पीछे आगे नहीं होना चाहिए ज़्यादा ये कवर। देखिए हाइड्रोलिक कवर है, धीरे धीरे आएगा, आराम से गिरेगा ये चीज़। ये देखिए ये जो कवर है ना ये पीछे जा रहा है ज़्यादा, तो थोड़ा सा आगे लेंगे इसको। अभी इसको निकालना पड़ेगा, देखिए निकाल लिया, थोड़ा सा आगे आएगा ये। देखिए लॉक कर दिया, अब ये पूरी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैठ गया है प्रॉपर। देखिए लेफ्ट राइट भी बड़ा हुआ नहीं है और ये अंदर बाहर भी नहीं है, प्रॉपर अच्छी तरह से ये फिक्स हो गया है। देखिए प्लस वाला कनेक्शन पाइप भी मैंने यहाँ पे लगा दिया, और ये वाला जो है ऊपर वाला ये जेट है, ठीक है। कमोड पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया है आप देख सकते हैं। और देखिए कुछ काम ऐसा होता है जो सबकी नज़र में गलत दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे बाहर पाइप फिटिंग हुआ है, देख सकते हैं ये PVC लाइन, देखिए पूरा सब बाहर फिटिंग हुआ है आप देख सकते हैं। यही अंदर से भी हो सकता था, कस्टमर को मैंने सजेस्ट करा था कि इसको आप अंदर से फिटिंग करवा लीजिए, कटिंग करके पीछे से मैं कर देता, लेकिन उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा कि बाहर ही लगा दो। देखिए इस तरह से फिटिंग हुआ है यहाँ पे, देखिए PTMT का PVC यहाँ पे वाल मिक्सर यहाँ पे लगा हुआ है देख सकते हैं आप। और ये देखिए शावर है, यहाँ पे गीजर का पॉइंट है, तो इस तरह से फिटिंग यहाँ पे हुआ है आप देख सकते हैं। जो भी होगा ओपिनियन आपका, जो भी प्रतिक्रिया होगा, आप अपनी कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। अब इसका फ्लश का लेबल सेट करना मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है साइफोनिक कमोड है, यहाँ पे किस तरह से ये काम करता है।